हिंदुस्तान को अखंड भारत बनाएंगे। अरे भाई, अखंड भारत तो बाद में बना, फर्स्ट अखंड इंडिया तो बना, क्योंकि इंडिया में तुम्हारी वजह से इतने टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। पहले ये इंडिया को सेव करो, बाद में अखंड भारत की हम सोचेंगे। जो धर्म संसद हरिद्वार के अंदर हुई थी, जिसके अंदर मुसलमानों को कत्लेआम करने की कॉल की दी गई थी, उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर जो है फसादात का सिलसिला शुरू हो गया है, मुसलमानों को टारगेट बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज संघ परिवार जो 2-3% इस मुल्क के हैं, आज हर हिंदू त्यौहार को जो है आज जो है मुसलमानों के खिलाफ हेट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये त्यौहार जो है खुशी मनाने के लिए होते हैं, ये त्यौहार जो है आपस में खुशी बांटने के लिए होते हैं। ये संघ परिवार के लोग आज मस्जिदों के ऊपर हमला कर आज जो है दरगाहों के ऊपर हमला कर जो है त्यौहारों को सेलिब्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आज पूरे मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क के हर शहरों के अंदर जो है ज़मीन पर उतरकर इन संघ परिवार वालों को वार्निंग दे रहे हैं हम लोग कि तुम्हारा जुल्म अगर नहीं रुकेगा, अगर तुम्हारा जुल्म अगर जारी रहेगा, तो आने वाले दिनों के अंदर जो है बड़ा सख्त चैलेंज आपके अंदर मिलेगा। हम मुल्क के सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से ये कहना चाहते हैं कि इन संघ परिवार को रोकने के लिए, इन नफरत के पुजारियों को रोकने के लिए मैदान में आए और जो है फौरन रोकें। अगर मुसलमानों के ऊपर हमले नहीं रुकेंगे, अगर दलितों के ऊपर हमले नहीं रुकेंगे, आने वाले दौर में जो CAA के जैसे प्रोटेस्ट हुए थे, वैसे जो है रोड जाम कर हम लोग जो है ज़मीन पर उतर कर प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोग मुंबई गवर्नमेंट से भी कहना चाहेंगे, तुम्हारे हेट मोंगर की वजह से, तुम्हारे नफरत की वजह से, रामसेना के मुतालिक की नफरत की वजह से 200 कंपनी जो है बेंगलुरु छोड़कर गए हैं, हजारों जो है नौजवानों को जो है अनएम्प्लॉयमेंट होना पड़ा है। अभी रिपोर्ट आई है सऊदी के अंदर, दुबई के अंदर, कतर के अंदर जो है इंडिया के गोश्त को खाना भी लोग बंद कर दिए हैं, क्योंकि उनको मालूम हो गया है इंडिया का जो भी गोश्त आ रहा है वो पूरा हराम कट होके आ रहा है। इसीलिए सभी अरबी लोग, सभी वहाँ पर रहने वाले दूसरे देश के लोग जो है खाना भी बंद कर दिए हैं। इससे जो है मुल्क का ही नुकसान होगा। किसी एक तबके को खुश रखकर, किसी एक तबके को टारगेट बनाकर मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। मुल्क को आपको चलाना है, सबको साथ में लेकर चलना होगा, यही हमारा पैगाम है। अरे संघ परिवार के गुंडों को जेल में डालना होगा, अरे MP गवर्नमेंट मुर्दाबाद, अरे राजस्थान गवर्नमेंट मुर्दाबाद, हमारे मुल्क में संविधान चलेगा। तो सेंट्रल में है ना तो स्टेट में है। स्टेट गवर्नमेंट 40% गवर्नमेंट बोलकर जो है मशहूर हो चुकी है। कॉन्ट्रैक्टर्स इनके खिलाफ हैं, कमीशन खाकर जो है काम कर रहे हैं। इतनी करप्ट गवर्नमेंट कर्नाटका के अंदर है। कर्नाटका के अंदर जो है कांग्रेस हो, JDS हो, इनको अपोज करने में बिल्कुल नाकाम हुई है। हम अपोजिशन लीडर से भी कहना चाहेंगे, आप अपोजिशन का रोल निभाएं और मैदान में उतरें। आपको जो है ईश्वरप्पा को हटाने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ी कल, उतनी ही मेहनत जो है मुसलमानों पर हमले जो हो रहे हैं उसके खिलाफ भी जो है आप असेंबली के अंदर धरना देकर करें, वरना आने वाले असेंबली के इलेक्शन के अंदर मुसलमान बराबर का आपको सबक सिखाएंगे। क्योंकि ना तो आप हिजाब के ऊपर बात करते हैं असेंबली के अंदर, ना मुसलमानों के कत्ल के बारे में आप बात करते हैं, ना तो मुसलमानों के हलाल कारोबार के बारे में आप बात करते हैं, ना तो मुसलमानों के बिजनेस बैकआउट के बाद जो है आप बात करते हैं। आप किस लिए हमारे नुमाइंदे हैं? आपको असेंबली के लिए इसीलिए भेजा गया था कि वक्तन फोक्तन आप जो है मुसलमानों के मसाइल को जो है असेंबली में उठाएं और मुसलमानों के मसाइल को हल करने के लिए भेजा गया था। मैं इन MLAs को भी वार्निंग देना चाहूंगा कि अगर तुम अब नहीं सुधरोगे, सोशल मीडिया का दौर है, एक एक बच्चे को तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड पहुंच रही है, आने वाले दिनों में ये नौजवान तुमको जरूर सबक सिखाएंगे। के मुल्क में रामनवमी को लेकर जिस तरीके से फसाद बर्पा किया गया है कई जगहों पर, यह RSS की पूरी एक मिलीभगत है। मिलीभगत रहने की वजह से इतने बड़े फसाद की तरफ मुल्क चले जा रहा है। अभी RSS ये देख रहा है कि छोटे छोटे फसादात कराकर या इंटेंसिटी क्या रहता है, बोलकर देख रहा है। RSS को मालूम होना चाहिए कि मुल्क कई लोगों से मिलकर बना हुआ, सिर्फ कुछ RSS की सोच के लोगों से नहीं है, बल्कि कई मजाहब यहाँ पे रहते हैं, सबका मुल्क है। जिस वक्त RSS
बेंच ऑफ थर्ड के ऊपर अमल करने की कोशिश करेगा, जब ये मुल्क पूरा एक बाहर आकर आपको बताएगा क्या है। अभी कल ही मोहन भागवत ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हिंदुस्तान को अखंड भारत बनाएंगे। अरे भाई, अखंड भारत तो बाद में बना, फर्स्ट अखंड इंडिया तो बना, क्योंकि इंडिया में तुम्हारी वजह से इतने टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। पहले ये इंडिया को सेव करो, बाद में अखंड भारत की हम सोचेंगे। पहले इंडिया के बाद डेवलपमेंट के बारे में सोचो, पहले इंडिया के जो बच्चे हमारे जॉब्स के तरफ नहीं है, उनको जॉब्स दिलाने की सोचिए। कई महंगाई बढ़ रही है, महंगाई को आप कम करने का सोचिए। कई इंडस्ट्रीज को आप बेच रहे हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट के कई इदारे हैं वो भी आप बेच रहे हैं, पहले उसके बारे में सोचिए। ये हिंदू मुस्लिम करना बंद करिए, और हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाने की कोशिश जो आप कर रहे हैं, आप कुछ 3% है सिर्फ, ये बमन दलितों और आदिवासियों को आगे कर रहा है। दलितों और आदिवासियों से भी हम अपील करते हैं कि आप उनके जंगल में ना आए, वो आपके हालात को कभी बढ़ने नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए आपको खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपको कभी ना कभी फिर वही हालत पे लाएंगे, जब आपकी औरतें ऊपर कपड़ा पहन कर नहीं फिरती थी, आपको गांव में आने नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी भी आपको वक्त है। मैं तमाम ये दलित भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि RSS का अपोज करें, और तमाम मैं मुसलमानों से भी अपील करता हूँ कि इससे पहले कि ये लोग आपके घरों तक आए, आप उनको उनकी जगह पर जाके रोके, वरना वो दिन दूर नहीं, ये लोग हर एक के घर तक आकर आपको पेंशन दे देंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक प्रोटेस्ट करे हैं, और मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पर आए हैं और इस प्रोटेस्ट को कामयाब किया।